थीम एक्सरसाइज 18.3 मैट्रिक क्लास का यूनिट 2 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 18.1 और 18.2 ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 18.3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें कह रहा है कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल इफ़ फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल्स आर क्वेश्चन नंबर 1, 6, 18 एंड 54। याद रहे प्रोपोर्शनल में कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी बराबर में सी रेशो डी। ए को कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, बी को कहते हैं सेकंड प्रोपोर्शनल और सी को कहते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, डी को कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रोपोर्शनल गिवन है, सेकंड भी गिवन है, फोर्थ भी गिवन है और थर्ड हमें फाइंड करना है। मीन्स ए की वैल्यू, फर्स्ट ए की वैल्यू 6 और सेकंड बी की वैल्यू यानी 18 और जो थर्ड है वो डी की वैल्यू है 54, सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जहाँ ए वहाँ पर 6 रखें और जहाँ बी है वहाँ पर 18 रखें, बराबर में सी की जगह पर कोई वेरिएबल सपोज करते हैं एक्स और डी की जगह पर हम रखेंगे 54। प्रोपोर्शन के सवालों को इस तरह सोल्व करते हैं कि मीन मीन से मल्टीप्लाई होगा और एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होगा। एक्स को मल्टीप्लाई करें 18 से और 54 को मल्टीप्लाई करें 6 से। 18 मल्टीप्लाई कर रहा है, शिफ्ट करें तो डिवाइड करेगा। 18 की टेबल में 54 आता है 3 टाइम, 3 से 6 को मल्टीप्लाई करें 18 होगा। दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल सी। इसके बाद इसी पार्ट का दूसरा सवाल है, इसमें लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फर्स्ट वैल्यू ए की है, सेकंड वैल्यू बी की है और थर्ड वैल्यू डी की है, क्योंकि हमें सी की वैल्यू थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लिखेंगे ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी। ए की जगह पर क्या रखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रेशो बी की जगह पर सेकंड वैल्यू ए प्लस बी, सी की जगह पर हम कोई वेरिएबल सपोज करते हैं एक्स और डी की जगह पर थर्ड वैल्यू रखेंगे ए माइनस बी। मीन मीन से मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करें, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी से। ए प्लस बी यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, शिफ्ट करें डिवाइड, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसका अपना फार्मूला है जो बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो a प्लस बी को शिफ्ट करें और इस पे फार्मूला भी लगाते हैं। इस पे फार्मूला जब लगाएंगे तो ये बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ पर ऑलरेडी गिवन एक ब्रैकेट, और ये a प्लस बी मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, शिफ्ट करें तो डिवाइड होगा। a प्लस बी से प्लस बी कैंसिल होगा, बाकी बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर a माइनस बी, a माइनस बी। याद रहे मल्टीप्लाई में जब बेसिस सेम हो तो पावर्स एड होंगे। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, दोनों को जब प्लस करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ये है थर्ड प्रोपोर्शनल c की वैल्यू। इसी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कामा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स प्लस वाई। लिखेंगे ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी। ए की जगह पर फर्स्ट वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और बी की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर सी की जगह पर सी रखें। आप कहेंगे सर हर बार आप एक्स रखते थे, अभी आपने सी क्यों रखा है, क्योंकि अगर जिसकी जगह पर हम रखेंगे कोई और वेरिएबल रखेंगे, अब इस सवाल में एक्स वाई ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो अगर सी की जगह पर एक्स रखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी सोल्व करने में, इसलिए इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो सी को सी ही रहने दो और डी की जगह पर क्या रखेंगे, एक्स प्लस वाई। उसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करें, मीन को मीन से और एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। सी मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस वाई से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, जब इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जहाँ ए है वहाँ पर एक्स रखें, जहाँ बी है वहाँ पर वाई रखें। किसने रखना है, सामने फार्मूले में सी सेम रहेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सेम रहेगा, एक्स प्लस वाई सेम रखें,
इस फार्मूले में जहाँ ए है वहाँ पर एक्स रखें, जहाँ बी है वहाँ पर वाई रखें। तो ए की जगह पर एक्स रखा, एक्स हो गया, बी की जगह पर वाई तो वाई। ए की जगह पर एक्स रखें, एक्स स्क्वायर होगा, ए की जगह पर एक्स, बी की जगह पर वाई, एक्स वाई बनेगा, बी की जगह पर वाई का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल होगा, बाकी बचेगा यहाँ पर सी और इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। दिस इज़ द थर्ड वैल्यू या थर्ड प्रोपोर्शनल सी। इसके बाद इसी पार्ट का, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर फोर है, जिसमें लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। प्रोपोर्शनल में कैसे लिखते हैं, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी। ए की जगह पर फर्स्ट वैल्यू ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेशो बी की जगह पर सेकंड वैल्यू रखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी। इक्वल टू सी की जगह पर थर्ड, थर्ड तो हमें फाइंड करना है, उसको हम एक्स सपोज करेंगे, और डी की जगह पर रखेंगे ए प्लस बी। मीन को मीन से मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से। एक्स मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी से, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ए प्लस बी से। यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के पे इसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसका अपना डिफरेंस फार्मूला। तो ये वैल्यूज़ फ़िलहाल सेम रखें, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए माइनस बी। क्यूब का फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और आगे मल्टीप्लाई में ए प्लस बी ऑलरेडी गिवन है, अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल होगा, और इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर बचेगा एक्स और यहाँ पर बचेगा ए प्लस बी। दिस इज थर्ड प्रोपोर्शनल सी।